Hello dear students, I welcome you all in this online class. I hope you all are sound and safe at your home. Dear students, have you completed your homework which was given to you yesterday? Yes, na? So dear students, before starting our class, I want to ask you some questions. First question is, can you tell me how many peoples are, can you count how many peoples are in this world? No, na? You cannot count, na? Second question is, can you tell me, is there anything, any place or any person who is without name? Yes, you can tell. No, there is no person, no place, nothing who is without a name. Har ek ka name hai na? Har ek naming words liye hue hai na? So, dear students, today our topic is... क्या है आपका टॉपिक नाउन. व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? नाउन. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डू आवर लेसन थर्ड फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द नाउन. क्लियर? नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नाउन होते हैं आपके नेमिंग वर्ड्स. क्या होते हैं नाउन? नेमिंग वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी, चाहे वो थिंग है, चाहे वो प्लेस है, पर्सन है, एनिमल है, हर किसी का क्या होता है? नेम होता है ना? यस ना? डियर स्टूडेंट्स, लुक हेयर, आई एम राइटिंग हेयर सोनिया. क्लियर? नेक्स्ट इज मुंबई. क्लियर? Next is cat. Next is table. Next is happiness. Clear? So dear students, our first is Sonia. Sonia क्या है? Name है ना? Yes. Name of a person. किसी पर्सन का नेम है ना सोनिया? यस ना? आवर सेकंड इज मुंबई. मुंबई क्या है? किसी प्लेस का नेम है ना? प्लेस है ना मुंबई? वेरी गुड. कैट. कैट क्या है? एनिमल्स का नेम है ना? एनिमल. एनिमल. व्हाट इज कैट? कैट इज अ एनिमल. टेबल. टेबल क्या है? किस कोई थिंग है ना? थिंग. क्लियर? एंड हैप्पीनेस. डियर स्टूडेंट, हैप्पीनेस क्या होती है? जो भी देखो, जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा जैसे मन होता है, उसके अंदर हमारे अंदर हैप्पीनेस भी आती है, सोरो भी होता है, एंग्री भी होते हैं, हम होते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं. जो भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, क्लियर? जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी क्या आपका इमोशन है ना? इमोशन या आइडिया. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन और आइडिया, व्हाट आर दीज? दीज आर नाउन. दीज आर नाउन. सो डियर स्टूडेंट, definition of noun is, noun is the, a noun is the name of a person, place, animal or thing. What is definition of noun? A noun is the name of a person, place, animal or thing. क्लियर? एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट इज हियर मोहित. मोहित नेम है ना किसी का? वेरी गुड. डेली. डेली इज नेम ऑफ अ प्लेस. लॉयन. लॉयन इज नेम ऑफ अ, सॉरी, लॉयन इज नेम ऑफ एन एनिमल. पेन इज नेम ऑफ अ थिंग. स्कूल. स्कूल क्या आपका? प्लेस. सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. क्लियर?
Dear students, look here. I have written some example here. First is, Jaipur is a beautiful city. My brother lives abroad. I am going to school. This is my pen. I have a pet dog. So, dear students, can you tell me in first sentence what is noun here? Dear students, read carefully. Jaipur is a beautiful city. So, Jaipur. Clear? Jaipur is name of a place, na? City. City भी क्या अपने आप में क्या है कि प्लेस है. सो नाउन क्या आपके फर्स्ट सेंटेंस में जयपुर सिटी. क्लियर. इन सेकंड सेंटेंस माय ब्रदर लिव्स अब्रॉड. सो ब्रदर ब्रदर इज नाउन. अब्रॉड अब्रॉड क्या है प्लेस है ना. क्लियर. सो ब्रदर अब्रॉड. और थर्ड आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो स्कूल क्या है प्लेस है ना. प्लेस का नेम है. सो इट इज अ नाउन. क्लियर. दिस इज माय पेन. पेन पेन क्या है किसका नेम है पेन. ठीक है ना कोई. क्लियर. फिफ्थ इज आई हैव अ पेट डॉग. आई हैव अ पेट डॉग. सो डॉग डॉग क्या है किसी एनिमल्स का नेम है ना. क्लियर. जयपुर जयपुर क्या है प्लेस का नेम है. ब्रदर अब्रॉड. ब्रदर भी क्या है पर्सन. क्लियर. अब्रॉड प्लेस. सो इन दिस सेंटेंस किसको शो कर रहे हैं प्लेस थिंग एनिमल पर्सन. सो व्हाट इज नाउन. Noun is the name of a person, place, animal or a thing. Now we will do this from our book. Start our chapter is the noun. Clear? It is our third chapter. Let's start. What is noun? A sentence is made up of words. Sentence किससे बना होता है? Words से. Sentence आप कर चुके हो ना? तो सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लियर. दीज वर्ड्स आर ईदर ऑफ द फॉलोइंग. और जो सेंटेंस होता है सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं नाउन हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. क्या होता है जो एक सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना. और जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं प्रोनाउन भी हो सकते हैं एडजेक्टिव भी वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. डियर स्टूडेंट्स जो ये एट पार्ट जो मैंने बताए हैं ना दीज एट क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ ए स्पीच. क्या बोलते हैं इनको पार्ट्स ऑफ ए स्पीच. किसको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब preposition, conjunction and interjection. Clear? These eight classes are known as parts of a speech. और जो ये parts of speech हैं इसमें से the noun is one of them. उसमें से noun क्या है एक है यानी कि उनमें से noun भी एक है. Let's study the noun. चलो noun के बारे में study करते हैं. Dear students, look firstly, look at the pictures given below and write their names. आपको ये pictures दिखाई दे रहे हैं किसकी picture है क्या है ये dog. क्या है ये dog. Clear? And this one is क्या है bat. क्या है आपका bat है ना. और ये क्या है आपका boy. What is this बॉय है ना ये. क्लियर. और ये क्या है आपका दिस वन इज ताज महल. दिस वन इज ताज महल. एंड ये क्या है माउंटेन. क्लियर. सो डॉग बैट बॉय
ताजमहल एंड ए माउंटेन. दीज नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन. जो आपका डॉग, बैट, बॉय, ताजमहल, माउंटेन्स जो नेमिंग वर्ड्स हैं ये क्या हैं आपके नाउन. सो व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन किसका नेम है? एक पर्सन का नेम, प्लेस, एनिमल और ए थिंग. क्लियर? फॉर एग्जांपल, बॉय, गर्ल, राधा, आगरा, स्कूल, कैट, पेन एक्सेट्रा आर नाउन्स. तो ये क्या हैं सारे के सारे? नाउन्स. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट इज अंडरलाइन द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ गिवन है, आपको क्या करना है? यू हैव टू अंडरलाइन नाउन्स. लेट्स रीड द पैराग्राफ. सुप्रिया इज अ ब्यूटिफुल girl. She had a pretty doll. Supriya brought that doll from Paris. She brought a pretty dress for it. She named it Pinky. Supriya keeps it in her doll house. She has also kept a small bed for her doll. She likes that doll very much. So dear students, I have told you that what is a noun. क्या होता है noun? किसी person, place, animal or thing का name. So let's do this exercise. Supriya. Supriya क्या है? किसी person का name है ना? तो Supriya क्या है आपका? Noun है. Clear? Girl. Girl भी क्या है आपका? Noun है. She has a pretty doll. तो डॉल भी क्या है आपका? नाउन. सुप्रिया नाउन, ब्रॉट दैट डॉल नाउन. पेरिस क्या है? प्लेस का नेम है. ये भी क्या हुआ आपका? नाउन. सी ब्रॉट अ प्रीटी ड्रेस. क्लियर? ड्रेस भी क्या है? नाउन. सी नेम्ड इट पिंकी. पिंकी भी क्या है आपका? नाउन. सुप्रिया ऑल्सो अ नाउन. कीप्स इट इन हर डॉल हाउस. डॉल हाउस भी क्या है आपका? नाउन. सी हैज ऑल्सो केप्ट अ स्मॉल बेड. बेड भी क्या है? नाउन. फॉर हर ए डॉल. क्लियर? सी लाइक्स दैट डॉल वेरी मच. तो डॉल क्या है इसमें? क्या है डॉल इसमें? नाउन. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग nouns. Take the words from the help box. Dear students, ऊपर क्या दे रखे हैं आपको? ये hint दे रखे हैं, help box दे रखा है और नीचे क्या है आपकी? Exercise given है. Clear? So क्या करोगे आप? जो ये exercise second है ना, exercise second, what will you do? You will try to do this exercise in your practice notebook. Clear? What is your homework today? You will do practice of noun and you will try to do this exercise in your practice notebook. So dear students, this is all for today. Thank you and have a nice day.